जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल यानी कि SCM एंड SI एडमिट कार्ड 2023 के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। लेटेस्ट अपडेट इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारी ये प्रॉब्लम आ रही थी कि सर हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है और हमें एडमिट कार्ड की टैब देखने को नहीं मिल पा रही है और कहीं पर कुछ कैंडिडेट के एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गए है और हमारा नहीं हुआ। तो मैं आपको बता कि अभी आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने स्टार्ट ही नहीं हुए हैं, तो इसी वजह से किसी का भी एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं हुआ है। फिर आपका दूसरा ये कमेंट था या फिर ये क्वेरी थी कि सर कहीं एग्जाम पोस्टपोन तो नहीं हो गया, तो मैं आपको बता दूं कि आपका एग्जाम बिल्कुल भी पोस्टपोन नहीं हुआ। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि जब एडमिट कार्ड स्टार्ट भी नहीं हुए डाउनलोड होने एंड ना ही एग्जाम पोस्टपोन हुआ, तो एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड कर पाएंगे? तो चलिए जान लीजिए कि आपके एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होंगे, जो कि आपका ऑफिशियल जवाब है। तो यहाँ पर अगर आप CRPF की वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं तो आप यहाँ पर खुद भी देख सकते हैं कि लिंक टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर असिस्टेंट कमांडेंट सिविल इंजीनियर विल बी अवेलेबल आफ्टर 17 फरवरी 2023 आफ्टरनून एंड SI यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल विल बी अवेलेबल ऑन 20 फरवरी 2023। यानी कि जो आपके एडमिट कार्ड है वो अब आपके 20 फरवरी 2023 को आएंगे SI के और SCM के, जो कि आपकी 1458 पद पर भर्ती निकली हुई है जिसके एडमिट कार्ड 15 फरवरी 2023 को आने थे। तो जी हाँ गाइज, ये आपकी ऑफिशियल जानकारी है। अब आप आराम से बैठ जाइए एंड 20 फरवरी 2023 को आपको आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। जैसे लिंक एक्टिवेट होगा तब भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको बता सकूं कि कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको एग्जाम सेंटर पर एडमिट कार्ड के साथ में लेकर के जाने हैं। तो गाइज ये थी आपकी ये अभी की लेटेस्ट जानकारी। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी एंड जो लोग परेशान हैं उनकी अब जो परेशानी है वो खत्म हो गई होगी क्योंकि एडमिट कार्ड अभी किसी के भी नहीं आए थे एंड ना ही आपका एग्जाम पोस्टपोन हुआ है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि 20 फरवरी 2023 को अब आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने स्टार्ट होंगे। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी अच्छा लगता है। मैंने यहां पर आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी है ताकि आप किसी भी अन्य चक्कर में ना पड़े एंड जो आपको अलग अलग जगह से अलग अलग न्यूज या फिर बातें सुनने को मिल रही है वो बातें आप दिमाग से निकाल दें। यही आपका कटु सत्य है जो कि आप यहां पर अभी वीडियो में देख पा रहे हैं। एंड अगर आप मेरे द्वारा एडमिट कार्ड को डाउनलोड कराना चाहते तो आप क्या करेंगे, जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है हमारी वेबसाइट का, ये आपको ओपन करना है। इसमें आपको सबसे लास्ट में आना है और कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपको नाम एंटर करना है अपना, आपकी ईमेल आईडी देनी है, आपका फोन नंबर देना है जो कि बेसिकली व्हाट्सएप का होना चाहिए। यहीं पर आपको एडमिट कार्ड का PDF सेंड किया जाएगा। मैसेज के अंदर आपको आपकी यूजर आईडी एंड पासवर्ड, साथ ही आपको CRPF SCM या ASI एडमिट कार्ड लिखना है। इससे क्या होगा, इससे बेसिकली ये होगा कि मेरे पास और भी काफी सारे एग्जाम की एडमिट कार्ड डाउनलोड की रिक्वेस्ट आती रहती है, तो अगर आपने ये नहीं लिखा कि किस एडमिट कार्ड की ये जानकारी है तो मुझे समझ में नहीं आएगा और मैं आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आपको यूजर आईडी पासवर्ड और साथ में CRPF ASI या SCM एडमिट कार्ड लिखना है एंड सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये जानकारी मेरे पास आ जाएगी, फिर मेरे से जितनों का भी हो पाएगा वो एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करके दे दिया जाएगा। एंड अगर आप खुद से डाउनलोड ना कर पाए 20 फरवरी 2023 को तभी आप ये इन्फॉर्मेशन सेंड कीजिएगा। तो गाइज आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा जितना भी हो सके उतना एंड आगे भी बने रहिए इस चैनल के ऊपर और इन वीडियोस के लिए ताकि आपको भी आगे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।